श्री शंकर। आइए भक्तों श्रवण करें बुद्ध प्रदोष या सौम्यवारा प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि महत्व एवं उद्धापन विधि के बारे में। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। धूप, दीप, घी, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, आरती के लिए थाली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री और आम की लकड़ी। तो आइए जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें, पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्र कर लें। कलश अथवा लोटे में जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्य त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरम धारण किए हुए रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद बुद्ध प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमाय शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिवजी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करें। तो आइए श्रवण करते हैं
बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र धारण करें और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेल पत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विविश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के सकल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में भी एक सिपाही आ पहुंचा। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पत्नी पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तो आइए जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की उद्धापन विधि के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 प्रदोष व्रत के बाद उद्धापन करना चाहिए। उद्धापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्धापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, बुद्ध प्रदोष की कथा सुनें अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहत शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं।
आप अपने इच्छा अनुसार एक, दो या पांच ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रति पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। जय शिव शंकर।